All right, friends. So now you take question number 23. This is your question number 23 and page number 11.51. इसमें आपको रिवर्स लेके चलता हूं, मतलब आपको वेरियंसेस दे रखे हैं और आपको कॉस्ट शीट, पीएनएल अकाउंट और वो सब करना है. ओके, देखिए जरा. ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा. पेज नंबर 11.51 पे है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23. ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू द एक्चुअल आउटपुट ऑफ 9600 यूनिट्स. इट मींस उसका एक्चुअल आउटपुट कितना है फ्रेंड्स, 9600 यूनिट्स प्रोड्यूस इन द लास्ट क्वार्टर. ओके, नाउ सेल्स अपने को दे रखा है 445,500. डायरेक्ट मटेरियल 59,400, डायरेक्ट वेजेस 89,400, वेरिएबल ओवरहेड 145,500, फिक्स्ड ओवरहेड 78,000. तो टोटल मिलके आपका और लेस आपका तो कॉस्ट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको आ जाएगा प्रॉफिट. द स्टैंडर्ड वेज रेट इज 4.50 रुपीज पर आवर एंड द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड इज 7.5 पर आवर. द कंपनी यूजेज ए जस्ट इन टाइम एंड बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स. द फॉलोइंग आर द वेरियंसेज फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट रिकॉर्डेड लास्ट क्वार्टर. डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस 600 एडवर्स, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरियंस 1200 एडवर्स, डायरेक्ट वेजेस रेट वेरियंस 1500 फेवरेबल, डायरेक्ट वेजेस एफिशिएंसी वेरियंस 4500 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 3000 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 6000 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस 7500 एडवर्स एंड सेल्स प्राइस वेरियंस. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस हमेशा आपको क्या रहेगा, सेम. सेल्स का प्राइस मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम 13500. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओरिजिनल बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. प्रोड्यूस ए स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट. इसका मतलब आपका कॉस्ट शीट बनेगा 10,000 के लिए, आपका कॉस्ट शीट बनेगा 10,000 के लिए, आपका पीएनएल अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट इज गिवन 9600 के लिए. ओके, देखो जरा. इट मींस पहला अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिपेयर द ओरिजिनल बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट पर यूनिट, फिर प्रोड्यूस ए स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट. ओके फ्रेंड्स, देखो जरा, दिस इज योर स्टेप नंबर वन. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सिमिलर टाइप मैंने भी दो बार लिया है इसको, एग्जैक्टली सेम है. एक मैं आपको कराता हूं, 24 आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, राइट, और सॉल्व करके तो मैंने दिया ही है और एग्जैक्टली सेम है, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर. तो यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट. हाँ, दिस इज योर बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स. बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स. पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट एंड बजटेड सेल्स. सही है सर फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर, राइट. बजटेड प्रोडक्शन 10,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अपन ले लेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले लेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड,
budgeted cost, budgeted profit and budgeted sales. सही है सुनो फ्रेंड्स. ओके यहां पे ये आ जाएगा, दिस इज योर टोटल और ये पर यूनिट, टोटल एंड पर यूनिट. सही है सुनो फ्रेंड्स. ओके देन यू गो स्टेप नंबर टू इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9600 यूनिट्स. एक्चुअल प्रोडक्शन 9600 यूनिट्स एंड योर एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन इज 73000 एंड actual profit is 73,200. Actual profit is 73,200. Actual profit is 73,200. Okay. और अगर आपको actual profit analysis के लिए निकालना है, it means actual profit per unit equal to क्या होता है आपका? It means actual selling price per unit. What is your actual selling price per unit? It means 445,500 में आपका सेल हुआ है और कितनी यूनिट्स बिकी है? 9600 यूनिट्स. इट मीन्स 445,500 डिवाइडेड बाई 9600 इज 46.40625 और उसमें से आप माइनस कर दीजिए योर बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. ये आपका सेलिंग प्राइस, बजटेड कॉस्ट अपन कॉस्ट शीट से ले लेंगे और दिस विल बी योर एक्चुअल प्रॉफिट एंड पर यूनिट. एक्चुअल प्रॉफिट आपका आ जाएगा पर यूनिट. तो पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको दे रखा है और ये आपको हो गया. स्टेप नंबर थ्री आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन. Means statement showing reconciliation. This is your profit as per cost sheet. Okay, last में this is your profit and loss account. What is the profit as per P&L account is 73,200. बाकी के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर वेरियंसेस करके ना. अब आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर फोर. व्हाट इज द स्टेप नंबर फोर? इज ए योर एनालिसिस ऑफ variance. Analysis of variance. First is a material variance always based on actual production. What is your actual production? Is 9600 units. It means standard and actual, kg, rate, amount, kg, rate, amount. Then second aapka labor variance, hours,
rate amount hours rate amount. Go to variable overhead variance. Hours rate amount hours rate amount, then fixed overhead variance units recovery rate expense units expense, then sales margin variance is units rate amount units rate amount. सही है सुनो, फॉर्मेट आपका सेम रखने का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फॉर्मेट, कि अपने फॉर्मेट कैसे रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब ये फ्रेंड्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, material rate variance, then labor cost variance, labor efficiency variance, labor rate variance, variable overhead cost variance, variable overhead efficiency variance, variable overhead expense or rate variance, fixed overhead account, fixed overhead cost variance, fixed overhead expense variance, fixed overhead volume variance. सही है सुना. Then last आपका आएगा sales margin variance. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस एंड सेल्स मार्जिन रेट वेरियंस. दैट्स इट फ्रेंड्स. अब आप बताइए आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है. परफेक्टली आपको एक एक चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही. वन बाय वन एनालिसिस ऑफ वेरियंस में अब आप आ जाइए फ्रेंड्स. एनालिसिस ऑफ वेरियंस में अपन क्या करेंगे, इट मीन्स ये अपन ने 445,500 वाला अपन ने ले लिया, बजटेड कॉस्ट बाद में देखते हैं. अब आप आ जाइए डायरेक्ट मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट है 59,400, डायरेक्ट लेबर 89,400, वेरिएबल ओवरहेड 145,500, फिक्स्ड ओवरहेड 78,000 एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू, अब अपनी एक्चुअल यूनिट्स अपन को दे रखी है 9600, एक्चुअल यूनिट्स 9600, ठीक है. बजटेड यूनिट्स अपने को 10,000 दे ही रखा है क्वेश्चन में, बजटेड यूनिट्स अपने को 10,000 यूनिट्स दे ही रखा है. सही है सुनो,
द स्टैंडर्ड वेज रेट इज 4.5, ये अपने को दे रखा है, स्टैंडर्ड वेज रेट इज 4.5 एंड वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट इज 7.5. द कंपनी यूजेज ए जीआईटी सिस्टम एंड बजटेड प्रोडक्शन इन सेल्स क्वांटिटी 10,000. द फॉलोइंग आर द वेरियंसेस. ओके, नाउ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस अपने को दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस अपने को दे रखा है इज 600 एडवर्स. देन डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरियंस अपने को दे रखा है 1200 एडवर्स, इसका मतलब मिलके हो जाएगा 1800 एडवर्स. देन उसके बाद फ्रेंड्स अपने को दे रखा है डायरेक्ट वेजेस रेट वेरियंस. डायरेक्ट वेजेस रेट वेरियंस है अपना 1500 फेवरेबल. डायरेक्ट वेजेस रेट वेरियंस 1500 फेवरेबल. डायरेक्ट वेजेस एफिशिएंसी वेरियंस 4500 फेवरेबल. देन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस इज 3000 एडवर्स. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 3000 एडवर्स. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस इज 6000 फेवरेबल एंड दिस इज 7500 एडवर्स. देन सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस इज 13500 फेवरेबल. सही है. अब फ्रेंड्स वन बाई वन आप आ जाइए. इट मीन्स मटेरियल, मटेरियल में आपको क्या दे रखा है 1800 का एडवर्स वेरियंस है और मटेरियल कॉस्ट है आपका एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है 59400. इसका मतलब बजटेड कॉस्ट क्या रहा होगा 59400 माइनस 1800 इज 57600. आपका जो मटेरियल का कॉस्ट बजटेड रहा होगा वो 57600. और कोई अपने को दे नहीं रखा है और अपने को चाहिए भी नहीं डिटेल, क्योंकि अगर ये आ गया तो अपना काम हो जाएगा करके ना. अच्छा लेबर में आप आ जाइए. लेबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, लेबर वेरियंस इट मीन्स 4500 फेवरेबल है आपका. 4500 फेवरेबल है लेबर. डायरेक्ट वेजेज रेट वेरियंस 1500 फेवरेबल और एफिशिएंसी आपको लेबर में क्या बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस एफिशिएंसी 4500 एडवर्स है. ये 15, इसका मतलब मिलके क्या हो जाएगा 3000 एडवर्स. और आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट है वेजेस का 89400. सो 89400 तो बजटेड क्या रहा होगा, इट मीन्स 89400 माइनस 3000 इज 86400 था आपका और एक्चुअल में हो गया 89400. इसके लिए अपने को लॉस है. तो 86400 डिवाइडेड बाय 4.5 करेंगे तो अपने को आर्स आ जाएंगे 19,200. आपको आर्स आ जाएंगे 19,200. सही है. सुनो फ्रेंड्स अब इससे एफिशिएंसी वेरियंस निकल सकता है. इट मींस 19,200 माइनस समथिंग इनटू 4.5. आपका स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है 4.5. ओके, और आपका वेरियंस कैलकुलेट होके आ रहा है 4,500. बजटेड आर्स, स्टैंडर्ड आर्स आपके 19,200 है. ओके, इट मीन्स 4500 डिवाइडेड बाई 4.5 इज 1000. और ये एडवर्स है, इसका मतलब
4500, ये जो 4500 है इसको अपन 4.5 से डिवाइड करेंगे, 4500 डिवाइडेड बाई 4.5, इसका मतलब 1000, दोनों का डिफरेंस 1000 है और एडवर्स है, इसका मतलब ये 20,200, ओके, आपका आर्स हो जाएंगे आपके 20,200, दिस इज 20,200, सो 89,400 डिवाइडेड बाई 20,200 इज 4.43, आपका रेट क्या आ रहा है बोलो, आपका रेट क्या आ रहा है 4.4, आपका क्या आ रहा है रेट 4.43, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप आ जाइए लेबर में, इट मीन्स योर 4.5 माइनस 4.43 इंटू 20,200 माइनस 4.5 इंटू 20,200 एंड टोटल आपका आएगा 1500 फेवरेबल, टोटल आपका आएगा 1500 फेवरेबल। देन अब आप आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में क्या है आपको, वेरिएबल ओवरहेड में क्या दे रखा था फ्रेंड्स, वेरिएबल ओवरहेड में आपको दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस है 6000 फेवरेबल, एक्सपेंस वेरियंस 6000 फेवरेबल है, 6000 फेवरेबल है और एफिशिएंसी वेरिएंस 7500 एडवर्स है, इसका मतलब मिलके क्या हो जाएगा 1500 एडवर्स, दिस एंड दिस मिलके क्या हो जाएगा 1500 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड अपने को एक्चुअल में दे रखा है 145,500, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड अपने को दे रखा है 145,500, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 145,500, इसका मतलब 145,500 माइनस 1500 इज 144, इट मींस 144 डिवाइडेड बाय 7.5 आपका आ जाएगा 19,200, ओके। अब आप आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड में, इट मींस 19,200 माइनस समथिंग इनटू 7.5, 19,200 माइनस समथिंग इज आपका आता है 7500, इसका मतलब 7500 को अगर 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1000 है, एडवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर्स आ जाएगा 20,200, वही देखो लेबर के भी आर्स क्या आ रहे हैं 20,200, एक्चुअल लेबर के आर्स भी 20,200 थे ना फ्रेंड, 20,200 एक्चुअल लेबर के आर्स, इट मीन्स 145,500 डिवाइडेड बाई 20,200 इज 7.21, ये आपका 7.5 माइनस 7.21 इट मींस 7.5 माइनस 7.21 इनटू 20,200 माइनस 7.5 इनटू 20,200 इज 6000 फेवरेबल, सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर है नोट, ओके। अब आप देखिए आपको फिक्स्ड ओवरहेड कितना दे रखा है आपका, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है आपका, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 78,000 और आप बोल रहे हो कि दे दीजिए प्राइस वेरियंस, कितना प्राइस वेरियंस है फिक्स्ड ओवरहेड में दे दीजिए एक्सपेंस वेरियंस आपको क्या दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड में, आपको एक्सपेंस वेरियंस दे रखा है 3000 एडवर्स, इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंस वेरियंस एक्चुअल आपने खर्चा किया है 78 और आप बोल रहे हो कि 3000 मैंने ज्यादा खर्चा किया है, इसका मतलब आपका बजटेड कितना रहोगा 75,000, सही है सुनो फ्रेंड, ये आपका आ जाएगा 75,000, इट मींस 75,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 7.5, 75,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज
7.5. Is 7.5 सही आंसर होगा? ओके, अब आप आ जाइए. इट मींस टू बैंक आपका आ जाएगा. टू बैंक आपने कितना पे किया है? 78,000. ओके, बाय रिकवरी आपका रिकवरी क्या आएगा बोलो फ्रेंड्स? आपका रिकवरी आ जाएगा इस एक यूनिट का रिकवरी रेट है 7.5, यूनिट्स बनी है 9600. इट मींस 9600 इंटू 7.5. इट मींस 9600 इंटू 7.5 इज 72 एंड बाय अंडर रिकवरी इज 6000. बाय अंडर रिकवरी 6000. सो 72,000 रिकवर्ड एक्चुअल 78, देयर इज अ लॉस ऑफ 6000 एडवर्स. हमने सोचा था यूनिट्स कितने रहेंगे? 10,000. यूनिट्स कितने आए? 9600. रिकवरी रेट क्या है? 7.5. कितने का लॉस हो जाएगा? 3000 एडवर्स. नो फॉर्मूला. एक एक चीज को लॉजिक से समझते हुए चलिए, आपका काम हो जाएगा. सही है सुनो फ्रेंड्स. अब यहां तक अपना कंप्लीट हो गया. अब अपने पास आगे कुछ भी नहीं है, तो पहले अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन कंप्लीट द कॉस्ट शीट. अब कॉस्ट शीट में जरा ध्यान रखना, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड. मैंने आपको कितनी बार बोला था, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. देखो ये मटेरियल कॉस्ट 57,600 है, लेकिन कितने यूनिट्स के लिए है? 9600. 57,600 मटेरियल कॉस्ट फॉर 9600 यूनिट्स. 86,400 लेबर कॉस्ट फॉर 9600 यूनिट्स. इट मींस देखो, पहला डायरेक्ट मटेरियल आपका 57,600, जबकि यूनिट्स कितने थे? 9600. तो 10,000 के लिए कितना होगा? क्योंकि कॉस्ट शीट हम कितने के लिए बना रहे हैं? 10,000 के लिए. सही है सुनो फ्रेंड्स. लेबर आपका आ रहा था 86,400, कितने के लिए? 9600. तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा? देखो जरा, लेबर आपका कितना आ रहा था? 86,400 किसके लिए? 9600 के लिए. वेरिएबल ओवरहेड 144, किसके लिए? 9600. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड कितनी बार मैंने आपको बोला है? बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं. जब मैं पेपर चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है, यार स्टूडेंट ने ये क्या मिस्टेक कर दिया. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? इट मींस 144, ये आपका 144 इज फॉर 9600. तो 10,000 के लिए कितना? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 57,600 डिवाइडेड बाई 9600 इंटू 10,000 इज 60,000. 86,400 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9.6 इज 90,000. 144 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 10 इज 150. 60 प्लस 90 प्लस 150 इज 3 lakh. ओके, दिस कम्स टू 6 rupees पर यूनिट, दिस कम्स टू 9 rupees पर यूनिट, दिस कम्स टू 15 rupees पर यूनिट. 6 प्लस 9 प्लस 15 इज 30. अब अपने पास आगे नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अपने को ये पता है कि अगर इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट. इट मींस 46.40625 माइनस 30 इज 16.40625 आपका आ जाएगा.
हाँ फिक्स्ड ओवरहेड अपन ने नहीं लिया ना, फिक्स्ड ओवरहेड भी तो लेना पड़ेगा ना। फिक्स्ड ओवरहेड अपन को दे रखा है 75,000, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है ना, देखो जरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपने को दे रखा है 75,000, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 किसके लिए, 10,000 के लिए, और कॉस्ट शीट भी हम किसके लिए बना रहे हैं, 10,000 के लिए, राइट। 75,000 इट मीन दिस कम्स टू 7.5, इट मीन्स टोटल 60, 90, 150 and 75, 375, 37.5, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि 37.5 को माइनस करो 37.5, इट मीन्स 46.40625 माइनस 37.5 इज 8.90625, इट मीन्स 8.90625 इंटू 9600 आपका क्या आ जाएगा 85,500। अब आपको दे रखा है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, आपको क्या दे रखा है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, ये अपन को दे रखा है। अपने को बजटेड मार्जिन नहीं पता है, एक्चुअल मार्जिन पता है अपने को 8.90625 और मल्टीप्लाई बाय 9600 यूनिट्स। अपने को बजटेड प्रॉफिट नहीं मालूम है, एक्चुअल प्रॉफिट मालूम है, वो अपन ने निकाल लिया ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट इनटू 9600 करेंगे तो 13500, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई भी ये तो ये आएगा, तो 13500 को डिवाइड कर दूंगा, 13500 को डिवाइड बाई 9600 आपका डिफरेंस क्या रहा है 1.40625 और आपका एक्चुअल आपका प्रॉफिट है माइनस 8.90625 इज 7.5, आपका बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा, आपका बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा 7.5। इसका मतलब 10,000 यूनिट्स बिकने वाले थे, बिके कितने 9600 इंटू 7.5, आपका क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 9600 इंटू 7.5 एंड दिस कम्स टू 3,000 एडवर्स, आपका क्या हो जाएगा 3,000 एडवर्स। इसका मतलब आपका जो बजटेड प्रॉफिट है, बजटेड प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा 7.5 एंड दिस कम्स टू 75,000, सही है सोनो, यही सेम प्रॉफिट आपका कहाँ चला जाएगा आपके कॉस्ट शीट में, इट मींस 75,000 दिस कम्स टू 7.5, इट मींस 375 + 75 = 450 एंड दिस कम्स टू 45, सही है सोनो। परफेक्टली क्लियर, आपके सारे वेरियंसेज हो गए, मैं आपको एक वेरीफाई करके भी बताता हूँ आंसर करके ना। देखो अब आप आ जाइए, आपका बजटेड कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कितना था, आपका कॉस्ट शीट का प्रॉफिट था 75,000 रुपीज, आपका कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 75,000 रुपीज, आपका कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 75,000। अब आप आ जाइए, आपने कौन कौन से वेरियंसेस कैलकुलेट किए थे, ड्यू टू मटेरियल प्राइस वेरियंस इज 600 एडवर्स, ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस 1200 एडवर्स, ड्यू टू वेजेस रेट वेरियंस 1500 फेवरेबल, वेजेस
efficiency variance 4500 adverse, fixed overhead expense variance 3000 adverse, fixed overhead volume variance, variable overhead expense variance 6000 favorable, variable overhead efficiency variance 7500 adverse, sales margin volume variance, sales margin price variance, sales margin volume variance, sales margin price variance, price variance 13500 favorable. अब आप आ जाइए वेरिएबल, हाँ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस पहले आप देख लीजिए. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम अपन ने निकाला था, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम 3000 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम इज 3000 एडवर्स. और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम आपका है 3000 एडवर्स, 3000 एडवर्स. इसी के साथ आपका ये टैली होना चाहिए, राइट 73200 आना चाहिए. 75 माइनस 600 माइनस 1200 प्लस 1500 माइनस 4500 माइनस 3000 प्लस 6000 माइनस 7500 माइनस 3000 प्लस 13500. देखो रिकैंसिलेशन में सही है, सुनो फ्रेंड्स, ओके तो ये आपका आ जाएगा 73200. ओके आप देख लीजिए एडलेस करके, देखो 75,000 आपका स्टार्टिंग में कॉस्ट शीट का प्रॉफिट, 75 लेस 600 देन लेस 1200 ऐड 1500 लेस 4500 लेस 3000 लेस 3000 ऐड 6000 लेस 7500 लेस 3000 एड 73200. अब ये तो रहा क्वेश्चन का बात, ओके और पहला मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 24 आप होमवर्क में करना, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है और सॉल्यूशन तो मैंने आपको प्रिंट करके दिया ही है. क्वेश्चन नंबर 24 आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 11.55 और मैंने सॉल्यूशन दिया एग्जैक्टली सेम समय, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. ओके लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं इसके अंदर, मतलब आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका पूरा सम राइट है या नहीं, बराबर आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका पूरा सम, पूरा जो क्वेश्चन है वो परफेक्टली करेक्ट गया कि नहीं. देखो उसके लिए मैंने आपको एक दे रखा है वेरिफिकेशन, देखो जरा दिस इज योर वेरिफिकेशन पार्ट. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या होता है, सेम. सेल्स का प्राइस वेरियंस मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या होता है, सेम. सो दिस इज योर सेल्स प्राइस वेरियंस. इसका मतलब क्या प्राइस आपने सोचा था, क्या आपको एक्चुअल मिला, इनटू
एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे तो अपने को प्राइस वेरियंस आएगा, बराबर। अच्छा, आपने क्या प्राइस सोचा था वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस पता है 445,500, और उसमें आपकी कितनी यूनिट्स बिकी हैं, 9600। इट मींस 445,500 डिवाइडेड बाय 9600 इज 46.40625 इंटू 9600। आपका क्या आएगा, आपका वेरियंस आ रहा है 13,500 फेवरेबल। बोलो या सुनो, सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस सेम होता है, इसका मतलब ये सेल्स का मार्जिन का भी प्राइस सेम रहेगा, मार्जिन प्राइस वेरियंस। अच्छा, सेल्स का प्राइस वेरियंस आपको दे रखा है, इट मींस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और अपन कैसे बोल सकते हैं कि क्या हमने प्राइस सोचा था, क्या प्राइस आया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, आपका क्या आएगा 13,500 फेवरेबल। इसका मतलब 13,500 फेवरेबल डिवाइडेड बाय 9600, आपका क्या आएगा डिफरेंस 1.40625। 1.40625 को अगर आप 46.40625 से माइनस करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस क्या आएगा 45। मतलब ये अमाउंट को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपको, इट मींस 13,500 को 9600 से डिवाइड किया तो दोनों का डिफरेंस आ गया 13,500 डिवाइडेड बाय 9600 इज 1.40625। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1.40625 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट? इसका मतलब आपका बजटेड सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 45। देखो कॉस्टशीट में क्या है, बजटेड सेलिंग प्राइस, आपका बजटेड सेलिंग प्राइस क्या रहा है 45। इसका मतलब आपने जो पूरा जो प्रोसेस किया है वो परफेक्टली राइट है, कोई आपको उसको नहीं रोक सकता करके। 45 आपका जो कॉस्टशीट में सेलिंग प्राइस आया, अगर वो आ गया तो आपका पूरा की पूरा परफेक्ट है करके। और वेरिफिकेशन में अपन क्या कर सकते हैं, देखो जैसे सपोज आप बोल रहे हो कि आपका एक्चुअल सेल्स है, आपका एक्चुअल सेल्स, व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स इज 445,500, ठीक है। अब इसमें आप बोल रहे हो कि देर इज ए प्राइस वेरियंस, देर इज ए प्राइस वेरियंस। May 22 में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एक आया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, May 22 में मैंने वीडियो बना के भी डाला हुआ है YouTube पे, मैंने YouTube पे वीडियो बना के भी डाला हुआ है, आप देखिए जरा, है ना। आप बोल रहे हो कि मुझे 13,500 ज्यादा मिला है, प्राइस वेरियंस का मतलब आप समझते हो, प्राइस वेरियंस का मतलब यह है कि जो मैंने सेल सोचा था, जो प्राइस मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा मिला है ड्यू टू प्राइस। इसका मतलब मुझे कितना मिलना चाहिए था, 445,500 माइनस 13,500, मुझे ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स, फॉर एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स का स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा 4,32,000। इट मींस योर 445,500 माइनस 13,500, 432, इसमें कितनी यूनिट्स बिकी हैं, 9600। इट मींस 432 डिवाइडेड बाय 9600, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आ रहा है 45। पूरा प्रोसेस करने के बाद ही तो अपने को कॉस्ट शीट में 45 मिला है और वो वेरीफाई हो रहा है। और आपको एक वेरिफिकेशन सिखाता हूं कि व्हाट इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, व्हाट इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपका एक्चुअल सेल है 445,500 डिवाइडेड बाय 9600 यूनिट्स, इट मींस 445,500 डिवाइडेड बाय 9600 यूनिट्स इज मींस 46.40625। आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, 46.40625, और आप बोल रहे हो कि आपको प्राइस ज्यादा मिला है, देयर इज ए प्राइस वेरियंस,
विच इज फेवरेबल. फेवरेबल कब होता है? जो सेलिंग प्राइस आपने सोचा है, जो आपने सेलिंग प्राइस सोचा है उससे आपको ज्यादा मिल रहा है. कितना ज्यादा मिल रहा है? 13,500 आपको मिल रहा है ऑन 9600 यूनिट्स. इट मीन्स 13,500 डिवाइडेड बाय 9600 इज 1.40625. इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस रहेगा 46.40625. इट मीन्स 45. आपका जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा? 45 रुपीज. आपका जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस रहेगा वो आपका क्या रहेगा? इज 45 रुपीज. सही है सोना, परफेक्टली क्लियर होना. आपका क्या रहेगा? आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस रहेगा 45 रुपीज. बोलो यस सोना. इसका मतलब आपका जो कंप्लीट जो आपने क्वेश्चन किया है, कंप्लीटली आपने जो क्वेश्चन किया, अगर आपने कहीं कोई भी मिस्टेक किया, अगर बाई चांस आप ये रिवाइज करना भी भूल गए तो भी आपको ये 45 रुपीज मिलेगा नहीं. तो अब आप क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 11.55 आप इसको सॉल्व करना एंड देन चेक करना और ये वाला वेरिफिकेशन भी करना. जो मैंने वेरिफिकेशन आपको लास्ट में कराई ना, ये सारे वेरिफिकेशन भी आप करना. ओके, इतना करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ओके.